सो भाई साहब आप लोग देख सकते हैं हमारा पेमेंट आ चुका है और अभी मम्मी को देंगे, उन्हीं से आशीर्वाद लेंगे। और देखिए यही बोलती थी, पहले बोलती थी कि क्या कर रहा है, ये सब चीज़ मत बनाओ, ये सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, काम करो काम करो। तो हम तो काम भी करते थे लेकिन पार्ट टाइम में इसको करते रहते थे। तो आज है कि वो इनको पैसा देंगे और देखेंगे सो क्या आया, गुड बोलेंगे। मॉर्निंग गाइस। गाइस आज मैं बता दूं कि आज मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है और मैं बहुत ही खुश हूँ। गाइस आज नहीं, मुझे कल ही आया था, यानी कि 23 दिसंबर को ही आया था। 23 दिसंबर 2022 को मेरा कल का ही पेमेंट आया था, बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं आज सुबह सुबह उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना लिया हूँ। और इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मुझे क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी, जब मतलब शुरू से अंत तक जो भी मैं जब जब अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या मतलब लोगों से सामना करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा इस, अगर आप लोग भी एक यूट्यूबर है और आपका अभी तक सक्सेस नहीं हुआ यानी कि, तो सक्सेस होगा, आप लोग मेहनत जरूर कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा जरूर ही सक्सेस होगा। तो मैं सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे कैसे करके मेरा जो है इतना आगे तक पहुँचा है। और मैं बहुत बार इसमें छोड़ा भी हूँ, अपना जो है यूट्यूब चैनल को छोड़ भी दिया हूँ क्योंकि डिमोनेटाइज हो गया था, लेकिन मैं लास्टली मैं करते गया और अभी जाके मेरा जो है पेमेंट आ चुका है। तो मैं सारा चीज़ अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि सबसे पहले मैं अभी जाऊँगा एटीएम में, एटीएम से पैसा निकालूंगा। पैसा निकालने के बाद अभी हनुमान मंदिर जाना है क्योंकि मेरा पहले से ही मन्नत था कि जब फर्स्ट पेमेंट मेरा आएगा तो मैं एक बार हनुमान मंदिर जाऊँगा, वहाँ पता चढ़ाऊँगा, उसके बाद ही जाके हो जो भी होगा सारा चीज़ ये करेंगे। सो गाइस हमने फाइनली यहाँ पे एटीएम से पैसा निकाल लिया, और पैसा निकालने के बाद अब चलते हैं आगे हनुमान मंदिर में, और उसके बाद हनुमान मंदिर पूजा करेंगे, तब उस फिर आएंगे रूम पे और सारा कुछ आपको बताएंगे। हाँ तो भाई साहब आप लोग ने देखा कि मैं सबसे पहले एटीएम गया, एटीएम से पैसा निकाला, उसके बाद हनुमान मंदिर पे भी गया और वहाँ पर जाने के बाद पूरा पूजा पाठ किया, अच्छे से पूजा पाठ किया और जो मेरा मन्नत था वो पूरा हो गया। क्योंकि मैं सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही मेरे मन में ये था कि जब मैं मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा यूट्यूब से, जब भी मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा तो मैं हनुमान मंदिर जाऊँगा और वहाँ पर पूजा पाठ करूँगा, उसके बाद ही जो भी होगा आगे प्रोसेस करेंगे। सो फाइनली हमारा ये सब चीज़ कंप्लीट हो गया। और गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रूम में, और रूम में आने के बाद आपको सारा चीज़ डिटेल्स में बताता हूँ एक एक करके कि कैसे कैसे मैंने ये सक्सेस पाया है, क्या क्या किया है, उसके बाद जो कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आया, कितना टाइम लगा है, क्या परेशानी झेलनी पड़ी है, क्या क्या करना पड़ा, सारा चीज़ बताऊँगा। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ, अगर आप लोग एक यूट्यूबर है या यूट्यूबर नहीं भी अगर चाह रहे हैं कि चैनल खोलना तो खोलिए, लेकिन उस पर मन लगा के काम कीजिएगा, तभी जाके आप लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, एक बार जब जिस चीज़ को ठान लेंगे उस चीज़ को करेंगे तो बिल्कुल आप आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ये आपको 110% मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार जिस चीज़ को आप ठान लें कि इस चीज़ को मुझे करना है तो आप उसको कीजिए। ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि आप फुल टाइम ही इसको कीजिए, पार्ट टाइम कीजिए, मेरे जैसा कीजिए आप लोग पार्ट टाइम कीजिए, और आगे का जो भी आपका काम है वो सब चीज़ भी देखना है, क्योंकि इतना जल्दी यूट्यूब से पैसा नहीं आता। और आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो आप तो कर सकते हैं, अगर बैकग्राउंड नहीं अच्छा है तो आपको तो पैसा कमाना ही है, क्योंकि घर चलाना है तो पैसा भी कमाना होगा, तो आपको इस चीज़ को पार्ट टाइम भी रखना। तो चलिए आप बताते हैं कि कैसे कैसे करके जो है हमारा जो है यूट्यूब पे पेमेंट आया। सो गाइस मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ, जब मैंने शुरू किया था ये अपना यूट्यूब चैनल, तो एक मेरा भाई है जो कि है, उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। वो मुझे बहुत सपोर्ट किए थे, मेरा अपना ही भाई है, वो पहले बहुत पहले से यूट्यूबर है, यूट्यूब पे चैनल बनाता है, पैसा कमाता है, बताया कि मुझे पैसा भी आता है, तो यकीन नहीं था जब उसने स्क्रीनशॉट भेजा तो लगा कि हाँ पैसा कमाता है। तो हम भी उस समय शुरू कर दिए थे कि चलो हम भी पैसा कमाएंगे और मेहनत करते गए। तो मैंने लगभग पहला चैनल बनाया तो उस पर काम किया, काम करते करते 6 महीना हो गया, साल भर तक मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब 2 व्यू 4 व्यू 10 व्यू ऐसे ऐसे जाता था, इससे ज़्यादा जाता ही नहीं था। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, उसको हटा दिया, कहकर चलो इससे नहीं हुआ कुछ दिन छोड़ दिया था, फिर दूसरा चैनल बनाया, दूसरा चैनल भी वैसा ही हुआ, मतलब बनाए और उसके बाद जो है बनाते गए चैनल को, और थोड़ा दिन तक 5 महीने 6 महीने ऐसे सब पे काम किए और लास्टली छोड़ दिया क्योंकि लगा कि हमसे नहीं होगा, ये सब चीज़ नहीं होगा। फिर वैसा वैसे करते करते एक चैनल, ये जो है मेरा ये चैनल हो, इसको मैं हमेशा के लिए परमानेंट कर सब चैनल को हटा दिया, बोला कि इस चैनल को ज़रूर रखेंगे, जब तक रहेंगे मतलब जब तक बनाएंगे इसी चैनल पर वीडियो बनाएंगे, चाहे मेरा आगे बढ़े या ना बढ़े,
और इसमें भी बनाता था, बनाते बनाते बीच में छोड़ दिया था बहुत दिन तक। अब मेरा वीडियो चेक करेंगे तो बहुत दिन तक मैंने छोड़ दिया था और फिर से बनाना शुरू किया उसी पे, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब पे देख लेता था वीडियो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था। जैसे मैं फर्स्ट पेमेंट वाला वीडियो देखता था तो वैसे वैसे करके मेरा भी जो होगा कि धीरे धीरे जब ग्रो करने लगा तो मुझे लगा कि अब करना चाहिए, तो वहाँ पर करते गए। जब करते गए तो आज जाके जो कि हमारा चैनल जो है जब 1,000 सब्सक्राइबर, उस समय तो मेरा कंप्लीट था 1,000 से ज़्यादा ही था, 1200-1300 के अप्रोक्स में था, और 4,000 घंटा भी वाच टाइम पूर गया। पूरने के बाद मोनेटाइजेशन के लिए मुझे ये डालना पड़ा, तो मोनेटाइजेशन के लिए सारा चीज़ मैंने किया। वो सबका वीडियो नहीं बनाया था लेकिन ये सब चीज़ मैंने किया, और चैनल को वेरीफाई किया, ये सब चीज़ जो एडसेंस वेरीफाई किया, सारा कुछ करके पिन वगैरह मंगा के उसको डाल दिया। और उसके बाद मुझे पेमेंट आने में कितना टाइम लगा आपको मैं बता दूं कि आप यकीन नहीं करेंगे। मेरा है अप्रैल में 27 या 28 अप्रैल को जो है मेरा जो अप्रैल में ये हो गया, चैनल जो हो गया वेरीफाई होकर मोनेटाइज हो गया। उस समय से मुझे जो है वहाँ पे पैसा बनना शुरू हो गया, समझिए कि अप्रैल से लेके और मेरा फर्स्ट पेमेंट अभी आया, जो कि देख सकते हैं अभी दिसंबर है, आज है 24 दिसंबर, 24/12/2022, तो 24/12/2022 को आज मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है। सॉरी आज नहीं, कल आया था, यानी कि 23/12/2022 को आया था, तो आज मैंने निकाला है। इतना दिन हो गया मुझे पेमेंट का, और इसके बाद जो है अब लग रहा है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा जैसे लग रहा है कि हाँ एडसेंस में जो है पैसा बन रहा है। और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप कभी भी ये चीज़ मत देखिए कि मेरे पास जो है एक अच्छा सा फ़ोन नहीं है, अच्छा सा मोबाइल नहीं है, ट्राईपोड नहीं है, और ये माइक नहीं है, सब चीज़ कुछ नहीं देखना है आपको। बस आप मेहनत कीजिए, बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट में दम है तो सब कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कहीं पे भी रहिए, कोई सा भी बैकग्राउंड में रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो है मैंने आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जो भी आप टॉपिक बनाते हैं उसके बारे में एकदम फुल डिटेल्स के बारे में बनाना है, वो चीज़ बनाएंगे तो आपको जो है कोई भी आगे सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। कि जिंदगी में ना तकलीफ हो ना संघर्ष हो तो खाक मजा जीने में, कि जिंदगी में ना तकलीफ हो ना संघर्ष हो तो खाक मजा जीने में, थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान जब आग लगी हो सीने में। यानी कि कहने का मतलब आप समझ ही गए हैं कि आप लोग जिस चीज़ को चाह लेंगे उस चीज़ को अगर करना है तो कैसे भी करना है, अगर इस चीज़ को ठान लेंगे तो होना ही है, 110% होगा ही होगा। तो चलिए अब बता दें कि मुझे कितना पेमेंट आया। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने मम्मी से मिलवाता हूँ और उन्हीं को पैसा दूंगा और वही बताएंगे आपको कि कुछ वो बताएंगे कि क्या करना चाहिए आप लोग। सो भाई साहब आप लोग देख सकते हैं हमारा पेमेंट आ चुका है और अभी मम्मी को देंगे, उन्हीं से आशीर्वाद लेंगे। और देखिए यही बोलती थी, पहले बोलती थी कि क्या कर रहा है, ये सब चीज़ मत बनाओ, ये सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, काम करो काम करो। तो हम तो काम भी करते थे लेकिन पार्ट टाइम में इसको करते रहते थे। तो आज है ये वो इनको पैसा देंगे और देखेंगे क्या। ये मम्मी को पैसा देते हैं, आप देख सकते हैं कितना सारा पैसा है, वो यूट्यूब का है। लीजिए मम्मी पैसा, दिखा दो पैसा, क्योंकि यही है मेरा यूट्यूब का कमाई है। ऐसा ऐसा तो बहुत कमाए हैं, बहुत अपने अलग से कमाए हैं, जो कि मेरा फुल टाइम काम है अलग है, लेकिन ये पार्ट टाइम मेरा करते करते मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है। तो इससे ये पैसा इनको दिया है मम्मी को और आशीर्वाद लेते हैं इनसे। तो मम्मी बताइए कि कैसा लग रहा है, तो पैसा दिया पहली बार आपको, मतलब ये यूट्यूब से पैसा दिया था, इससे क्या कैसा लग रहा है, खुशी है कि नहीं आपको? खुशी है, हम तो जानते थे जब पहले लापरवाही करेगा बउआ, बाकी लापरवाही नहीं कर रहा है, अपना अपना हिसाब से पैसा अपना कमा के केहू लेगा, अपना घर परिवार चला रहा है बउआ, अब हम बहुत खुश है। देखिए सुन लिया ना आप लोग, जब पहली बार आप जब ये सब चीज़ में जाएंगे तो गांव वाले भी बोलेंगे, आसपास के दोस्त या सबको ही बोलेगा यही चीज़ कि पैसा नहीं है, अरे क्या कर रहा है, सब फालतू का काम है, सब चीज़ छोड़ो और कुछ अच्छा काम करो। लेकिन आपको जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को कीजिए, और आपको पार्ट टाइम करना है पार्ट टाइम कीजिए, पहले तो पार्ट टाइम ही कीजिएगा, जब आपको पैसा अच्छा खासा आने लगा उसके बाद जो है इसको फुल टाइम में ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमेशा जो है अलग अलग करना चाहिए पैसा, क्योंकि आपको पैसा कमाना है और जब तक पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछने वाला है। तो ये सब चीज़ दोनों चीज़ आपको लेके चलना है। तो जो भाई लोग सब देख रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं कि वो सभी मेहनत करेंगे तो जरूर पहुँच आगे बढ़ेंगे? हाँ मेहनत मेहनत हाथे नहीं, मेहनत करिए आगे बढ़िए वो लोग, अपना अपना परिवार चलाइए, घर चलाइए, अच्छा काम कीजिए, इस काम से हटिए नहीं पे। हाँ तो यही सब चीज़ आपको पूरा वीडियो देखे ही हैं तो मोटिवेशन आपको थोड़ा मिला होगा कि आप लोग भी अगर काम करते तो काम करते रहिए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी।
और फाइनली अब आपको बता देते हैं कि अपने भाई को पेमेंट कितना मिला। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये जो आप फ़ोन देख रहे हैं ये फ़ोन का आप कीमत समझ सकते हैं कितना है। आप ऑनलाइन अभी जाकर सर्च कर सकते हैं, इतना ही आपको पेमेंट मिला आपके भाई को। इससे थोड़ा सा कम है, मात्र थोड़ा सा कम है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मुझे पेमेंट मिला है। तो फर्स्ट पेमेंट था ये, और ऐसा है कि नेक्स्ट पेमेंट वो बहुत ही जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर में मिल जाए, क्योंकि अब मैं रेगुलर मेहनत करूँगा इस पर और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।